Hey guys, welcome back to my channel, MasaTuber. तो आज देख के पता चल गया होगा गाड़ी थोड़ी अलग है मेरी. हाँ जी, जो मैंने लास्ट अपने होम टूर के वीडियो में दिखाई थी, जो मेरी सिस्टर और डैड यूज करते हैं गाड़ी डिजायर, आज मैं वो लेके आया हूँ. और ये गाड़ी मेरे और शाय के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है. 2016 से 2018 तक इस गाड़ी को मैंने ही चलाया है और मेरी और शाय की बहुत सी यादें जुड़ी हुई है इस गाड़ी से. तो आज क्रूज ले जाने का मन नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना, बहुत दिनों के बाद आज अब ट्रैफिक कम है, मैनुअल है गाड़ी, तो सोचा क्यों ना यही लेके चलें, थोड़ी यादें ताज़ा हो जाएंगी इस गाड़ी की. तो पहले तो आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, क्योंकि जब तक ये ब्लॉग आएगा जब तक ईद जा चुकी होगी. और वैसे ईद आज के हिसाब से ईद कल है, तो आज मैं आया हूँ शाय से मिलने के लिए. शाय को कुछ काम है और बस शाय का ही वेट कर रहे हैं. आ जाओ, खड़ा हो लाइट पे, आ जाओ. मैं शायद कभी यहाँ पहुंचने वाला होता हूँ ना स्टैंड पे, तभी कॉल करता हूँ कि यहाँ से उसका मुश्किल से एक मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है, तो एक मिनट के अंदर वो आ जाएगी. बाकी गाड़ी यार, पहले तो मैंने इसमें बहुत टाइम बिताया इस गाड़ी के अंदर, पर अब कहते हैं ना जब थोड़ा बड़ी गाड़ी में ट्रैवल करता हूँ तो अब उसकी आदत लग गई है, तो इसमें थोड़ी स्पेस कम है. देखो सिर पे भी थोड़ा रूम कम है और एरिया, मतलब मेरे हिसाब से मेरी हाइट ज्यादा है. गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है. इस गाड़ी को 8 साल हो गए हैं आज हमारे घर में, 8.5 साल हो चुके हैं. गाड़ी बहुत प्यारी है. और गाइज ये ना मेरा स्टैंड आज सुबह नहीं, कल मेरा स्टैंड टूट गया गलती से, तो ये सेल्फी स्टिक मैं यूज़ कर रहा हूँ. तो थोड़ा कैमरा देखो, थोड़ा सा हल्का हल्का यहाँ से कैमरा लूज है तो हिलेगा, तो उस चीज़ को थोड़ा अगर इग्नोर कर सकते हो कर लीजिए. बाकी मैं स्टैंड लेके आ जाऊँगा, तो थोड़ा सेल्फी स्टिक पे लगा. तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच. मेरे 50K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और वो आपकी वजह से हुए हैं. मतलब अभी एक साल भी नहीं है मुझे चैनल स्टार्ट किया हुआ. मैंने अक्टूबर 27 को मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी और मेरे 50K सब्सक्राइबर्स आपने बहुत जल्दी रीच करवा दिए, एक छोटा सा माइलस्टोन. और थैंक यू सो मच इस चीज़ के लिए, एंड लव यू ऑल फॉर योर सपोर्ट. ऐसे प्यार देते रहिएगा तो जल्दी ही मेरा सिल्वर प्ले बटन भी आ जाएगा आप सबकी वजह से. इस मतलब इस माइलस्टोन के भी हकदार आप ही हैं. तो थैंक यू गाइज, लव यू ऑल. वेट करते हैं शाय का. शाय को एक बहुत, मतलब अब क्या बताऊँ, शाय को आने तो वही बताएगी हम किस लिए और आज क्यों मिले. और अब तो बैक टू बैक मेरी वीडियोस आ रही हैं, शायद ये मतलब मैंने बैक टू बैक बहुत जल्दी मैं सोच रहा हूँ लाने की. मतलब जितना जल्दी हो सकेगी उतना जल्दी मैं चाहता हूँ कि वीडियोज़ आप तक मैं पहुँचाऊँ, अपने ब्लॉग्स पहुँचाऊँ. तो अब तो खुश होंगे कि बहुत कंप्लेंट आ रही थी मेरे को, पर्सनली DMs भी आ रहे थे कि आपका ब्लॉग कब आएंगे, आपके ब्लॉग कब आएंगे. हफ्ते में 5-6 दिन में एक ब्लॉग डालता था, तो अब मैंने सोचा कि मैं रेगुलरली ब्लॉगिंग करूंगा और आपको जल्दी जल्दी ब्लॉग्स दूंगा. तुम मेरे समझ नाराज क्यों रहते हो? आप मेरे समझ नाराज क्यों रहते हो? नाराज नाराज तो हो नहीं. क्यों हो बताओ? नहीं हूं. हो ना? नहीं. मान जाओ, मान जाओ. ये मेरी सेल्फी स्टिक है. तुम अपनी सेल्फी स्टिक से सेल्फी खींचो, मैं पूछो कहां से मिला. अरे मैंने जब मैं 1 तारीख को गया नहीं था. चीज की कदर है तुम? अब बताता हूँ, ये मैंने सेल्फी स्टिक तो अमरिक सुखदेव से ली थी मुरथल, जब मैं उसमें जाती थी. बहुत ठंडी हो रही है. गाड़ी पहचानी कौन सी है? डिजायर है, मैं कैसे बोलूं? अच्छा, भूल नहीं सकते यार, ये मेरे से नाराज है. ये सैनिटाइजर नहीं, गुलाब जल है. शाय मेरे से नाराज है. अभी हमारी थोड़ी देर पहले लड़ाई हो गई थी, इसलिए मैं इसे मनाने के लिए आया हूँ. मान जाओ. सो स्वीट है ना? मान जाओ. जैसे कि कल मैंने बताया कल ईद है, तो आज इनके हाथों में, इन प्यारे प्यारे हाथों में लगने वाली है क्या मेहंदी? प्यारे प्यारे, हाँ प्यारे प्यारे, क्यूट से हाथ, सुंदर सुंदर से हाथ इन पे लगाएगी आज मेहंदी. अच्छा जी, चलो नाराज नहीं होते. अब तो मान जाओ, मैं मनाने के लिए आया हूँ. देखो मैं मानी हुई हूं, शाम के 5 बज रहे हैं और मैं स्पेशली आपके लिए आया हूँ. नहीं नहीं, तो मैं तो 10 लोगों के लिए आई हूँ ना स्पेशली. नहीं, मैंने बुलाया इसलिए आई. नहीं नहीं नहीं, ये बहुत ही गुस्से, अब तक गुस्सा क्यों? चलिए बता दो गुस्सा क्यों. नहीं नहीं बता रहे, चलो मत बताओ, कोई नहीं. पर भाई ये मेरे से 90% ऑफ द टाइम मेरे से नाराज रहती है और मैं 100% ऑफ द टाइम से मनाता रहता हूँ.
अच्छा मेरी कोई बड़ाई मत करना भाई, मैं मजाक कर रहा हूँ यार। मैं से ज्यादा नाराजी रखता हूँ, मना था कम। लोग मुझे कमेंट में क्या बोलते हैं? क्या बोलते बताओ? कि मेरी वीडियो पे आके लोग मुझे कहते हैं, खुद तो तुम 5-5, 10-10 हज़ार का मेकअप खरीदते हो और मयंक ने एक आईफोन क्या खरीद लिया, तुम्हें मजाक लग। यार वो वेस्टेज ऑफ मनी इसलिए था क्योंकि मेरा पहले से आईफोन था जो कि पहले से एक 80,000 का फोन है, और मैं फिर से 80,000 की और चीज लूंगा तो बेकार चीज है। और जैसे कि मैंने बताया था, मैंने खर्चा बहुत ज्यादा कर दिया था। तो एक खर्च करना और एक फिजूल खर्च करना बहुत अलग चीज होती है, और उस चीज से मेरे को वो चीज अच्छी लगी शायद की। तो गाइस प्लीज उस चीज को लेके जज करना बंद कीजिए यार, ऐसा कुछ नहीं है। वो उसका काम है, वो सब काम है। और जो फोन मेरा लेना था वो काम नहीं था, फिजूल खर्चे की थी। और बाकी मेकअप लेना सब काम है। अगर ये मेकअप लेगी नहीं है, करेगी नहीं मेकअप, तो आप लोगों को सिखाई कैसे ट्यूटोरियल्स? Am I right? Tutorials. चलो आ जाओ, मान जाओ, चलो। और इस गाड़ी की यादें कैसी है ये बताओ लोगों को, इस गाड़ी में हमने कितने साल इस गाड़ी में हम घूमे? 2015 के एंड में ये गाड़ी मुझे पापा ने दे दी थी। पहले पापा चलाते, फिर मेरे को दे दी, फिर 2018 के एंड तक मैंने ये चलाई थी। उसके बाद फिर मेरे को सिविक मिल गई थी। तो इसके अंदर हम जितना भी यहाँ घूमे, जितना भी हमने इसके अंदर लाख किलोमीटर, हमने 1,00,000 किलोमीटर से गाड़ी चलाई थी। और हमने मेरे बर्थडे के लिए बलून्स भी लगाए। हाँ, 2015 का बर्थडे था। और इसके बर्थडे नहीं, 2000 तो हमारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो गई थी। 15 का बर्थडे था, 15 का नहीं, 16 के बर्थडे पे। 15 के बर्थडे पे भी चौधरी इसी में तो दिया था। 2016 के बर्थडे पे हम, मैं बता क्या कर, कैसे ले गया था। ये नाराजी थी कि मैं लेट मिल रहा था, तो मैंने क्या किया, अपने घर के बाहर, एक दोस्त के घर के बाहर मैंने बहुत सारे बलून्स फुलाए और उन्होंने रस्सी से पूरे गाड़ी को बाहर की साइड पूरा सजा दिया। और ये लगा लो कि इतना वो अजीब सा था ना कि लोग देख रहे थे कि गाड़ी बाहर से बलूनों से सजी हुई है, बाहर की साइड से डिग्गी से लेके बोनट छत सब कुछ। हाँ, तो लोग देख रहे थे। फिर शाय मिली और शाय का रिएक्शन था, ये यार क्या लगा तू गाड़ी का। शाय को भी अच्छा लगा था, पर यार वो आज समझ आता है यार वो कितना ऑकवर्ड लग रहा होगा। व्हाइट और पिंक कलर के, व्हाइट और पिंक कलर के बहुत सारे बलून सजे थे गाड़ी में भगाने की वजह से। जब तक हम अपने वेन्यू पे पहुंचे थे, जब तक ये पीछे उड़ता जा रहा था, उड़ते जा रहे थे सड़क पे उड़ते जा रहे थे बलून। पहली बात तो तुमसे नाराज हूँ, तो मुझे ना हंसाने की कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो, मैं बारिश में ना के आया इसलिए बाल कितने सिल्की सिल्की से हो रहे हैं ना। मैंने अभी दिल्ली में ना बहुत तेज बारिश हुई थी और मैं छत पे खूब नहाया बारिश में। मुझे तो पता ही नहीं चला, अंदर ही थी मैं, लाइफ नहीं जीते यार। ये सोशल मीडिया पे पड़े रहते हैं, हम क्या है, हम खुल के लाइफ जीते हैं। छत पे मस्त नहाया हुआ बारिश में। तगड़ी स्टेटस कौन डालता है? किस चीज के? इंस्टा पे। मैं सोशल कौन लाइफ जीता है यार? ये नहीं है, दोनों लाइफ जीता हूँ मैं, रील भी और रियल भी, दोनों लाइफ जीता हूँ मैं यार। ऐसा नहीं है, और शायद आप याद है आपने ये गाड़ी चलाई है, ये चलाई है नहीं, बीट गाड़ी चलाई है, बीट चलाई, ठोकी भी थी इसने। सीख तो मैं महंगा 6 सालों से रही हूँ, सीख में एक बार भी नहीं पाई, क्योंकि तुम हर बार ट्रायल करवा के छुड़वा देते हो यार। पता क्या, इसका लर्निंग लाइसेंस बन गया, अब इसे सिखाने स्टार्ट करने वाला हूँ जल्दी प्रॉपर तरीके। चले मेहंदी लगवाने, अपने कोमल कोमल हाथों में, आपके कोमल कोमल हाथों में मैं लगवाऊ मेहंदी। चले चले चलो, ओके चलते हैं। वैसे यार दुनिया में क्यूट बोलती है, क्यूट क्यूट, अरे 6.5 फीट का बंदा जानवर जैसा क्यूट कैसे हो सकता है यार, ये बता दो मेरे को। और दुनिया क्यूट बोलती है, 1 इंच की लड़की इनको इतनी हॉरिबल कैसे दिखती है? अरे वो तो चलेगा, वो तो अच्छा, 6.5 फीट का बंदा, इतना बड़ा मुंह, इतना बड़ा शरीर, वो क्यूट कैसे हो सकता है यार। मयंक योर स्माइल्स क्यूट, बट रियलिटी कोई नहीं जानता, मैं जानता। रियलिटी में बहुत अलग हूँ, अगर कभी मीट एंड ग्रीट हुआ और हम मिले तो रियलिटी में बहुत अलग हूँ। लाख पे करेंगे कोविड नहीं, वैसे नहीं, सिचुएशन अगर कंट्रोल में आई कोविड की, जो कि आ रही है दिल्ली में बहुत अच्छे, मास्क और सैनिटाइजर भी गिफ्ट करेंगे। नहीं, ऐसी सिचुएशन ना ही हो तो अच्छा है कि किसी को गिफ्ट करने की चीज जरूरत पड़े, मैं चाहता हूँ। तो गाइस चलते हैं मेहंदी लगवाने के लिए शाही की, कल के ईद के लिए। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, मेरी तरफ से भी आप सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक। वो इसका पसंद ब्लॉग आ भी रहा होगा। मैंने शूट ही नहीं किया, मैं बहुत आलसी हो गई हूं। नहीं यार, ये बहुत मेहनत कर रही है आज के टाइम पे अपने मेन चैनल को लेके, इसलिए ब्लॉगिंग चैनल इसका थोड़ा इसने डाउन कर रखा है। एक इंस्टाग्राम पे एक लड़की है, वो आपसे बहुत वो बात करना चाहती है, उसने कल भी मेरे को बोला, परसों बोला, तो एक बार से बात कर लीजिए। ठीक है, मैं तो आप मुझे दे दिखा देना, क्योंकि मैसेजेस स्पैम में चले जाते हैं यार। आपके चले जाते हैं, कोई नहीं, मेरे पास आ रहा है कॉल, मैं एक बार मिला के देखता हूँ। अगर उनकी किस्मत हुई तो वो अभी कॉल उठा लेंगी, नहीं हुई तो उनका बैड लक है। ये देखो कल ही की बात है। कौन है? कनिष्का तिवारी? हाँ, मुझे नहीं पता। चलो ग्रेट, हो जाए तो देखो रिंगिंग एक बार। मैं दिखा नहीं सकता ये प्राइवेसी के चक्कर में, पर अभी देखते हैं।
कॉन्टैक्टिंग कॉन्टैक्टिंग कॉन्टैक्टिंग, मुझे लगता है सो रही है। उठाएंगी नहीं उठाएंगी? मुश्किल है, यू हैव टू डीएम हर फर्स्ट ना। नहीं डीएम कर देंगे, फिर सरप्राइज नहीं रहेगा यार। डिडंट जॉइन, डिडंट जॉइन, इनका नाम था कनिष्का। अगर आप ब्लॉग देख रहे हैं तो यार सॉरी, बैड लक, नेक्स्ट टाइम मैं पक्का ट्राई करूंगा। तिवारी, हां जी हां जी। कोई और भी है? हां जी, मोनिका। देखो उठा ले तो, इन दो के काफी ज्यादा डीएम आ रहे थे इसलिए। द हेटर्स ऑफ साइम, माय गॉड, मेरे शाय फैम, जितने फैन पेजेस हैं उनके लिए बिग पुच्ची, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट यार। शाय फैम मतलब लोगों को ऑलरेडी वही कमेंट्स कर देते हैं, नेगेटिव लोगों को। इनका भी डिडंट जॉइन आ चुका है, वीडियो चैट एंडेड, डिडंट जॉइन। देखो मैंने दोनों को कॉल मिलाया है। मोनिका कुमारी है ये, सुबह से वेट कर रही हूँ कॉल आपके, इनको कॉल पे बात करनी है, सुबह से आ रखे। प्लीज शाय से बात करा दीजिए, बात करा दीजिए, मैंने उनको प्रॉमिस किया था आज कराने के लिए, पर अब उन्होंने कॉल नहीं उठाया है। मोनिका जी देख लीजिए, मैंने मिलाया था कॉल, अब आपने नहीं उठाया तो सॉरी, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। अभी हम चलते मेहंदी लगवाने, क्योंकि शॉप्स बंद हो जाएंगी, अंधेरा हो जाएगा तो मेहंदी अच्छी नहीं लगेंगी। लगेंगी नहीं लगेगी, दो आते ना, दो आते हैं इसलिए चलते हैं। एक हाथ की मेहंदी तो लग गई, मैं गाड़ी में जाके वेट कर रहा था, मेरी मेहंदी कंप्लीट होने के बाद ही कुछ खाने पीने को मिलेगा। और दूसरे हाथ से, दूसरे हाथ में मेहंदी लगने जा रही है, इसकी वजह से मैं पहले ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, और अब मैं कैमरा रखने जा रही हूँ। एक बात जो मेहंदी की खुशबू से बहुत पसंद है, मुझे उतनी ही बेकार लगती है। हम दोनों हर चीज जो मुझे पसंद है तुम्हें नहीं पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, मैं उनको मेहंदी की खुशबू नहीं पसंद है। नहीं अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, पर हर साल की तरह इस बार फाइनली एक साल छूट गया। मैंग लास्ट ईयर नहीं मैंग लगवाई थी, इस साल मैंने फाइनली बकरीद पे ही सही पर मेहंदी लगवाई तो सही। नाइस, थैंक यू, थैंक्स टू मी। अब तो खुश हो, अब तो नाराज नहीं हो? मैं हूँ। अच्छा, हो? ऑलवेज रहूंगी। चलो ईद मुबारक। थैंक यू, ईद मुबारक गाइस। जब तक ये ब्लॉग जाएगा तब तक तो लेट हो जाएगा, बट वी स्टिल हैप्पी ईद। तो भाई फाइनली शाय भी मान गई है और मेहंदी भी लग गई है। बहुत लेट हो गया था रात को, कैमरा मतलब फिर नहीं वक्त रहा था, हमने शूट भी नहीं किया और नहा भी लिया मैं, कि कोविड ने बुरा हाल कर रखा है यार। अब केसेस तो कम आ रहे हैं, पर ये है कि जाओ तो नहाओ, आओ वापस आओ तो नहाओ। तो गाइज अच्छा सामान ये देखो, अभी ये लेके आया अपनी भांजी के लिए, मेरी भांजी आ रखी घर पर, कल आई थी, तो चिप्स नमकीन से मतलब चिप्स बिस्किट्स और ये सब उसे बहुत पसंद है, तो ये मैं उसके लिए लेके आया हूँ। वो बाहर दरवाजा पीट रही है, खोलो 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 खोलो, अब मैं उसे बुलाता हूँ, उसे दिखाता हूँ सामान। पर मैं उसे अभी फिलहाल एक ही चॉकलेट दूंगा, क्योंकि मेरी बहन ने बोला है कि अगर उसे सारा सामान दिखा दिए तो खाए बिना वो सोएगी नहीं। पहले पहले हेलो बोलो सबको, हेलो बोलो, पहले हेलो बोलो, पहले हेलो बोलो, बोलो हेलो, पहले हेलो कर दो, पहले हेलो कर दो, पक्का बहुत सारा सामान है मेरे पास, पहले है, पहले हेलो करो, मैं दिखाऊंगा सबको, ऐसे हाई कर दो। अरे शर्मा क्यों रहे हो तुम, तो बच्चे तुम क्यों शर्मा रहे हो? अरे जरा छोड़ दे, रहा फिसल गई तू, पहले दे, पहले हेलो बोल के जाओगे, पहले हेलो बोल के जाओगे, इधर आ जाओ, पहले हेलो बोल के जाओगे। नहीं देता। क्या नहीं देता? क्यों नहीं देता? आपका नाम क्या? चलो नाम बताओ। अद्विका। क्या ऊपर बोल के देख के बोलो, क्या नाम है? अद्विका। अद्विका क्या कॉल आ गया? ओ कैस्पर भी आ गया। अच्छा तुझे भी सामान चाहिए? आ जा आ जा आ जा।
तुझे भी चाहिए सामान? आ जा, मेरा कैस्पर भी आ गया, इसको भी सामान की खुशबू आ गई। चलो बाय, थैंक यू तो बोल दो मेरे को। श्रीमान जी अभी 3 साल की हुई है और बहुत ही क्यूट है, शोर मचा रही है। मम्मी से शिकायत कर रही है कि सामान नहीं दे रहा, मैं चिल्लाने की आवाज आ रही है ना, वो शिकायत कर रही है मेरी सच में। तो गाइस बाय बाय, होप करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए भर भर के। बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।